सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप हम लोगों के पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इट इज अ वेरी नाइस कैफे स्पेशली फॉर कॉफी लवर्स। आप इसको नॉर्मल कैफे मत समझिएगा, ये वीडियो भी बंद मत करिएगा। इस जगह का नाम है लोफी कॉफी प्लस लोफ। लोफ मीन्स जो आपकी ब्रेड होती है वो यहाँ पे ये इन हाउस बनाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने अपना नाम रखा है लोफी। सो इट इज अ वेरी नाइस प्लेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्पेशल है, क्या मजेदार है यहाँ पे। हेलो, माय नेम इज रोहित कुमार। के सामने हम ब्रूइंग मेथड फॉरवर्ड मेथड लेके चल रहे हैं। हाँ। ये हमारा पोर वाइज स्टैंड है, ये हमारा चेस्टनट है जिसमें हम ग्राइंड करेंगे। फिल्टर पेपर है, उस तरीके से कि इंडिया की टीम होती है, कैप्टन की बहुत जरूरत होती है। हाँ। तो इसमें सबसे अच्छा रोल इस फिल्टर पेपर का। अच्छा, ये कॉफी का कैप्टन है। रोहित शर्मा है। डार्क रोस्ट कॉफी है हमारा, थोड़ा बहुत ही है। तो आप इसका अमाउंट देख करके वो करते हो कि कितना हम मेजरिंग करना पड़ता है। yeah. इसको हम ग्राइंड करने चल रहे हैं। हाँ, ताकि हमारा नाम हो जाए कि हमने अच्छी कॉफी। एक बार दिखा देते हैं। ओके, वैसे ही करना है। आप लोग करके देखो, तुम इतना स्मूथ है नहीं जितना स्मूथ उनके हाथ से लग रहा था ना। फिल्टर पेपर लगा दिया, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, फिल्टर पेपर को वेट करेंगे थोड़ा सा, स्टिक हो जाए। हाँ, पहला पॉइंट तो ये है अच्छे से, और दूसरा जो पेपरी टेस्ट हो। अच्छा, उस पानी को आप हटा देते हो। कॉफी नहीं बनाएंगे ना तो फायदा क्या, उन्होंने पेपर का टेस्ट हटाने के लिए तो किया। हाँ, ठीक है। और ये अभी से आपने इसमें वाटर क्यों लिया रखा है? इसमें वाटर इसलिए है कि हम पैलेट को क्लीन करेंगे। जैसे हम पहले कुछ खाए पिए होंगे तो उसमें वो उसका टेस्ट चला जाएगा और अच्छे से हमको कॉफी का टेस्ट होगा। मतलब हम अच्छा, हम लोग मतलब हम लोग अच्छा, ताकि हमें कॉफी का पूरा फ्लेवर पता चले। कॉफी बनाए और आपको छीना लगे तो पहले पानी पीजिए, उसके बाद। हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो पूरा यहाँ पे ला करके कॉफी ब्रियो करते हैं, इट इज नॉट स्पेशल फॉर अस, ये सभी के लिए है। बिकॉज जो भी आता है दे कैन गेट टू हैव दिस एक्सपीरियंस कि वो आप पहले अपनी कॉफी भी चूज कर सकते हो, एंड कॉफी चूज करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा। तो पहले हम पैलेट को क्लीन करते हैं अपने। सो दिस इज कोल्ड वाटर फॉर अस बिकॉज हमें कॉफी का फ्लेवर अच्छे से पता चले, फ्लेवर माउथ में ना रहे हमारे। तो हम कॉफी जैसे आपको हाथ में देंगे, आपको इस तरीके से 3 fingers इसको कवर करना है और उसका अरोमा लेना है। अच्छा, आप इतनी सारी चीज बता रहे हैं, अब अगली बार कोई घर पे कॉफी पिएगा तो घर वाले कहेंगे कहाँ से क्या सारी चीज। नॉर्मली क्या होता है, हमको मिलती है कॉफी, हम शुरू कर देते हैं मत पीना ना। अभी एंड अलोंग विद द कॉफी आपने एक छोटी सी कुकी भी दिया हुआ है, उसको हम बताएंगे खाने के, जैसे कॉफी के संपर्क में उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको। इसको भी खाने का प्रोसेस। हां, इसको भी। अरे बाप रे, अभी तक हम लोग करते क्या, खाते पीते थे गलत तरीके से खा रहे थे। तो हम 3 fingers से कॉफी को कवर करेंगे। कवर करो। ओके, वो बता रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं। अरे थोड़ा सा उसको खोलो तो ना, तभी तो अरोमा आएगा। हाँ, नाउ स्मेल इट। वाओ, कैसी स्मेल है? कॉफी जैसी। पैसा बर्बाद। जब खत्म हो जाएगा फिर हम कॉफी के एक चुस्की लेंगे। आज जो तहजीब तमीज तुम्हें सीखने को मिल रही है कहीं और नहीं मिलेगी, लखनऊ में सीखने को मिल सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कुकी बोल, अरे नहीं ऐसे नहीं, खत्म के अंदर खत्म करना है। हाँ, रहना नहीं चाहिए तो कुकी का टेस्ट मिले। आपको ये ब्लैक कॉफी अपने व्यूअर्स को बता दें, दिस ब्लैक कॉफी हम फर्स्ट टाइम पी रहे हैं। नॉर्मली हम मिल्क वाली कॉफी पीते हैं। दैट इज व्हाई आप देख रहे होंगे कि हम लोग फ्लेवर पहचान कम पा रहे हैं। हाँ। लेकिन एग्जैक्ट आप लोग बताए भी, मतलब कि कहाँ पे फील हो रही है। आई होप कि हमारी कॉफी टेस्टिंग आपको अच्छी लगी होगी। नहीं, हमें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। नॉर्मली ये जो है हमारा, दिस इज और ये आप इस लोफ में लाए हो। तो ये हमारा सूप आ गया जो कि आप लोग देख के
सोच रहे होगे कि ये सूप कैसे बोल रहा है। वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी क्रीमी है। तो ये साइड से बाइट लेंगे क्योंकि अगर इसको ज्यादा देर तक रखेंगे हमारा ये किधर से, अब इसमें भी टेक्निक है बताइए, यहाँ से बाइट को हम तोड़ेंगे। ओके 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 बढ़िया, बहुत अच्छा है। अभी तो हमारा ये अभी सूप बचा हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं जब तक हम अपनी सैंडविच के लिए ब्रेड वगैरह ब्रेड एंड वेजीज चूज कर लेते हैं। वी हैव टू चूज द ब्रेड ऑफ आवर सैंडविच। आप जैसे सबवे में जाते हो तो यू गेट टू चूज कि आप कौन से वेजिटेबल्स लोगे, कौन सी ब्रेड लोगे, कैसे अपनी सैंडविच बनाना चाहते हो। समवॉट सिमिलर एक्सपीरियंस है, आप अपनी सैंडविच को कस्टमाइज करवा सकते हो। सो ये इनका सॉर्ट ऑफ अ किचन है। दीज आर द ब्रेड्स, ये जंबो ब्रेड है, जो भाई जिनको ज्यादा खाना हो यारी ब्रेड ले सकते हैं। ये क्या है? फोकासिया। साडो क्या डिफरेंस है इसमें? कुछ साडो क्या होता है, इसका जो कैप्सूल जो रहता है ना बेसिकली दो तीन दिन पहले बना के रखते हैं, ये थोड़ा सा खट्टेपन फर्मेंट होता है बेसिकली। ओके थोड़ा खट्टेपन पे होता है, नॉर्मल लॉक जो होता है बेसिकली वही लॉक होता है। ये शायद जाएगी बेस्ट। So we will choose this one bread. इसका क्या नाम आपने बताया था? फोकासिया। फोकासिया व्हाट आर द फ्लेवर्स? वेज ग्रिल्ड चिकन एंड वी वांट वेज पनीर। वी वांट वेज ग्रिल्ड। ठीक है तो फिर वी विल वेट जब तक ये सैंडविच बन के आती है। So guys, after choosing our bread, we were served with spaghetti pasta and इनका पास्ता देखने में it was very beautiful और जितना ये खूबसूरत है उतना ही delicious भी था। हमें बहुत मज़ा आया ये पास्ता खा करके और इसके बाद we were waiting कि हमारी जल्दी से sandwich आ जाए, but जब तक sandwich आ रही थी इन्होंने हमसे बोला कि हम अपनी कॉफ़ी जो कि अभी आपको मैनुअल प्रोसेस दिखाया था ब्रूइंग का, ये मशीन से भी ब्रू करते हैं। ग्राइंडर है जो हम लोग मैनुअली काम कर रहे थे, मैनुअली जो ऐसे थे जिन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा ग्राइंड किया था। ठीक है तो आप ग्राइंड करिए देखते हैं हम। अपनी जो नॉर्मल ब्लैक टी थी वो तो आते साथ ही ट्राई कर ली थी, अरे ब्लैक कॉफी सॉरी और इसके साथ भी जैसे हमें उसके साथ ब्लैक कॉफी के साथ कुकी मिली थी, इसके साथ हमें छोटा सा लोफ मिला है एंड द कॉफी। दिस इज काफा सेरेडो जो कि इस कॉफी में यूज किया गया है एंड दिस इज कोडागो। हाँ जो हमने ब्लैक वाली मैनुअल ब्रीविंग कॉफी पी थी उसके लिए। इससे पहले जब हमने ब्लैक कॉफी से स्टार्टिंग की थी तो हमें डेट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों ब्लैक कॉफी के साथ वो आती नहीं है। एंड इसी के साथ आज हमारा शेयर हिंदी में नहीं रहेगा, आज हमारा शेयर इंग्लिश में है। इंग्लिश में शेयर? हाँ, आज फील आ रही है कि हम बाहर वाली चीजें खा रहे हैं ना। यू वांट द क्रीम टू माय कॉफी, द शुगर टू माय ब्रू, क्रीम देख रहे हो कितनी ज्यादा क्रीम है। लाइक टू बीन्स इन अ ग्राइंडर। लाइक टू बीन्स इन अ ग्राइंडर, वी ग्राइंड एंड ब्रेड। कॉफी लव फॉर एवर जर्नी विद यू। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आप लोग को ये शेर समझ में आया, भावनाओं को समझिए, फीलिंग्स पे जाइए, भावनाओं पे जाइए, थोड़ा बहुत राइमिंग पे जाइए। Now we have our sandwich and it is very different from any other place. Look at the veggies. इसमें कितनी सारी veggies पड़ी हुई है। आपको मैंने फोकासिया ब्रेड दिखाई थी, हमने उसकी सैंडविच बनाई है तो वो पूरी उन्होंने कवरिंग में लगा ली है। और एक चीज और है, अलॉन्ग विद द सैंडविच दे गिव कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज मिलती है एंड आपको थोड़ा सा चुकंदर मिलता है, थोड़ा सा सैलेड के तरीके से मिलता है। सो सबसे पहले तो फ्रेंच फ्राइज ही, फ्रेंच फ्राइज भी अच्छी है और ऐसा नहीं है कि अच्छी से तारीफ कर रही थी, बोल रहे हैं फ्रेंच फ्राइज ना, वी आर हियर फॉर समथिंग यूनिक। एंड गाइस इनकी ये सैंडविच काफी ज्यादा अच्छी थी, आप अगर कभी आते हो तो आप ये सैंडविच जरूर लेना और इसे ट्राई करना और इसके साथ आप एक कप ऑफ कॉफी ले लेना एंड अगर आपके पेट में जगह हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक पम्पकिन सूप भी ले सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने तो अपनी चाय वाय सारी ब्रेड लोफ हमने सूप और स्पेगेटी सब कुछ खा लिया। आप आना यहाँ पे बताना, इसका एड्रेस वगैरह सारी चीज देखो या तो हमने नीचे लिख दिया है या फिर कमेंट में है, आप परेशान मत होना उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।